दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल अभिटेक ऑफिशियल में। आप भी अपने यूट्यूब चैनल पे मूवी अपलोड करके अर्निंग करना चाहते हो तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए। तो दोस्तों पहले यहाँ पे देख सकते हो लाइव प्रूफ कि मेरे दोस्त एक यूट्यूब पे किस तरह वर्क करके मूवी अपलोड करते हैं। अभी ना ही इनके यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट आते हैं, ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, फिर भी ये अच्छी इससे मैं अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और ये लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं, और इन मेरे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो कि मैं इसी तरह अर्निंग्स के लिए फेसबुक से कॉपी पेस्ट करके कैसे पैसे कमाए, कैसे सारा वीडियो आपको अवेलेबल करवाता हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों हम सीखते हैं इससे कि मूवी को किस तरीके से एडिट कर ले और किस तरीके से उस पर कॉपीराइट या कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पर कोई सा भी एक एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे काइन मास्टर यूज़ करता हूँ दोस्तों, तो मैं यहाँ पे काइन मास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है आपको, जिसमें आपको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आपको उसको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपको क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट नाउ पे जैसे आप क्लिक करते हो दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप मूवी यूट्यूब पर अपलोड करना चाहते हो तो आपको 16:9 सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि डायरेक्ट हम मूवी अपलोड करते हैं तो अपलोड होने के 1 या 2 मिनट के बाद ही कॉपीराइट क्लेम में कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। लेकिन आज हम लोग मूवी कुछ ऐसा एडिट करेंगे जिसमें ना ही कॉपीराइट क्लेम आएगा, ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, और आप उससे अर्निंग भी कर सकते हो। और आप इस सबसे पहले एक मूवी डाउनलोड कर लीजिए, और मैंने एक मूवी डाउनलोड करके रखी है, और मेरे डाउनलोड सेक्शन जाकर यहाँ पे मूवी में देख सकते हो आप, 2 घंटे 18 मिनट 40 सेकेंड की वीडियो है मेरे पास, ठीक है। 2 घंटे 10 मिनट 36 सेकेंड की वीडियो है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमको करना क्या है देख सकते हो, उसके बाद इसको फुल स्क्रीन पे मूवी शो हो रही है, ठीक है। तो अब इसको हमें एडिट करना है। एडिट करने के लिए आपको सबसे पहली बात ये याद रखनी है दोस्तों कि मूवी में आप ये देख सकते हो, ये चेक मूवी जो कि साउथ की है, ठीक है। तो इसे हम कैसे एडिट करें कि ना ही इसको कॉपीराइट कंटेंट है, ना ही और हमें इसे अर्निंग भी हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो पहले स्टार्टिंग में चले जाना है आपको। स्टार्टिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे टॉप 10 पॉइंट मैं बताऊँगा, टॉप 10 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जैसे ही मूवी आप स्टार्ट करते हो, मैं भी वॉइस कम कर लेता हूँ इसका, ठीक है। तो मोबाइल वॉइस का पूरा ही कम है, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, मूवी जो फ्रंट पे जाता है मूवी का, तो जिस पे अप्रूवल रहता है कि आप मूवी दिखा सकते हो, जो गवर्नमेंट के द्वारा रहता है, सबसे पहले आपको उसको रिमूव करना है। जैसे कि आपको रिमूव करने के लिए देख सकते हो मूवी पे क्लिक करना है। मूवी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कटर का निशान दिख रहा होगा, तो हमें इसको आपको मास्क पे क्लिक करना है, और आप हमें लेफ्ट साइड का पूरा हटाना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट साइड पे क्लिक करूँगा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिमूव हो चुका है, जितना भी बचा हुआ उसको भी मैं पूरा रिमूव कर देता हूँ। आप भी ऐसे करके पूरा रिमूव कर कट करके रिमूव कर देना आपको भी, तो हो गया। उसके बाद हम मूवी प्ले करेंगे, तो हमारे साथ जो गवर्नमेंट का अप्रूवल था वो हट चुका है। तो सबसे मेन बात ये हटाना है हमें, क्योंकि जब हम यूट्यूब पे मूवी अपलोड करते हैं सबसे पहले यहाँ पे एनालाइज यही करते हैं फ्रंट पेज, ठीक है। जैसे आप फ्रंट पेज 1 से 2 एक 20 20 से लेकर 20 सेकंड तक जो भी आता है यूट्यूब उसे एनालाइज करता है, और अगर वो उनके पास पहले से मिलता है तो वो आपको कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद हमें आगे आते हैं, और आगे आने के बाद सेकेंड बात ये हमें याद रखना है कि मूवी में हम लोग कोई सा भी सॉन्ग प्ले होता है, ठीक है, कोई सा भी सॉन्ग प्ले होता है तो उस सॉन्ग को पूरा ही रिमूव कर देना है। जैसे कि हम यहाँ आगे यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई सा भी यहाँ पे सॉन्ग आता है तो उस सॉन्ग को हम पूरा ही रिमूव कर देंगे, क्योंकि दोस्तों क्योंकि हम सॉन्ग रिमूव नहीं करते तो कॉपीराइट क्लेम आएगा, जिससे कि जो कि अर्निंग होगी हमें इस मूवी से वो हमें नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये करना है, सेकेंड नंबर पर हमें सॉन्ग को रिमूव करना है, ठीक है। और बहुत सारे मूवी पे सॉन्ग आते हैं, जैसे कि KGF लोगे, अगर आप पुष्पा लोगे तो उसमें सॉन्ग आएगा, ठीक है। तो आपको सेकंड वाला आपको ये रिमूव कर देना है, ठीक है। दोनों चीज़ आपको हमें यहाँ पे सॉन्ग ढूंढते हैं, शायद शायद इस मूवी में सॉन्ग नहीं है, बहुत सारी मूवी में सॉन्ग आती है। तो आपको करना क्या है, इजिली उस पर क्लिक करना है, क्लिक करके कट पर जाना है, और फोर सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे भी आप इस पर क्लिक कर देते हो दोस्तों, तो उसके बाद जो पार्ट है वहाँ से कट हो जाएगा, जहाँ से गाना एंड हो जाएगा उसके बाद आपको वहाँ पे फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट का हटा देना है, जो भी गाना रहेगा वो बीच में से हट जाएगा, और मूवी फिर सॉन्ग से स्टार्ट से लेकर सॉन्ग एंड तक का पार्ट हम कट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद आपको मूवी स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। दो टॉपिक तो आपने यहाँ पे देख लिया, तीसरा टॉपिक हम यहाँ पे ये यह है कि आपको करना क्या है कि जैसे आप जो भी मूवी अपलोड करते हो यूट्यूब चैनल पर, उनको यहाँ पे लोगो लगा के रखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे आदित्य मूवी से हम लोग डाउनलोड किया, तो आदित्य मूवी आ रहा है, तो इसे भी आपको रिमूव करना है। रिमूव कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके आपको लेयर पे क्लिक करना होगा। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको इफेक्ट का ऑप्शन दिखता होगा, आपको इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको एक इफेक्ट लेना है ब्लर वाला। और दोस्तों इसको लेने के बाद आपको यहाँ पे सबसे टॉप पे लगा देना है, जहाँ पे आपको आदित्य मूवी का दिख रहा है लोगो, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको आपको बढ़ा देना है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे इसको फुल कर लेते हैं, ठीक है, और इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो बढ़ाने के बाद होगा क्या दोस्तों, जो रहेगा ना
वो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा, जहाँ जहाँ मतलब आदित्य मूवी लिख रहे हो पूरे मूवी पे आप हमको इस तरीके से कर देना, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे इसको पूरी मूवी पे चढ़ा देते हैं कि पूरी मूवी पे लोगो है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं चढ़ा रहा हूँ, इसी तरह आपको भी चढ़ाना है, इसी तरह आपको करना है, तो आपको भी कुछ इसी तरीके से पूरे मूवी पे करना है। ये मूवी तो बहुत बड़ी है दोस्तों, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आपको पूरी तरह से आपकी वीडियो पे आएगा कि आप आदित्य मूवी ने अपलोड किया है कि या किसने किया है, ठीक है। तीन तो पॉइंट हो गए हैं हमारे, हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं जो कि बहुत ही मैन है, ठीक है। इसमें करना क्या आपको, आपको कोई सी भी एक इमेज लेना है जो कि आपका यूट्यूब यूट्यूब चैनल हो, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है अभिषेक ऑफिशियल करके, जिस पर आप वीडियो वॉच कर रहे हो, जो इसका मैं लोगो रहेगा उसको लोगो में साइड में लगा दूंगा, इसको भी फुल स्क्रीन पे कर दूंगा, जितने की घंटे की मूवी है मेरी उतने घंटे का मैं इसे कर दूंगा, ठीक। इससे क्या होगा दोस्तों कि अगर एनालाइज करेगा यूट्यूब तो यूट्यूब लगेगा, यूट्यूब एनालाइज करेगा तो इन्हें लगेगा कि इन्हें की मूवी आ रही है, मुझे कॉपीराइट नहीं देगा, और कॉपीराइट क्लेम भी नहीं देगा, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देगा, तो चैनल मोनोटाइज हो जाएगा। तो इसमें हम यूट्यूब से मोनोटाइज नहीं करवाएंगे अपने चैनल को, अपने इसको हम MNC नेटवर्क से चलाएंगे, जिससे इसको मैं इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा MNC के नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ हमारे चार पॉइंट हो गए दोस्तों कि हमें क्या क्या डालना है, और चार पॉइंट के बाद हम आपको पांचवा पॉइंट बताता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हम उसे नहीं करते हैं तो हमारी जो अर्निंग रहेगी वो सारी अर्निंग कॉपीराइट में चली जाएगी, ठीक है। तो वो टॉपिक क्या है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, कि जब जब मूवी पे कोई ऐसे पार्ट आते हैं जो बिगड़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि कोई शराब का सेवन कर रहा है या फिर सिगरेट पी रहा है या फिर किसी भी चीज़ को उल्लंघन कर रहा है, तो आपको पता होगा कि ये मूवी जो जिन्होंने अपलोड किया उन्हें तो कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि वो पैसे देते हैं सरकार को, पर अगर हम ऐसा करेंगे तो यूट्यूब इसे कॉपीराइट दे देगा या क्लेम दे देगा, वीडियो को रिमूव कर देगा अदर कंटेंट बता के, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको फिर से उस पर आपको लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स लेना है, और इफेक्ट्स लेकर जहाँ जहाँ वो सीन आ रहा है, जैसे कि कोई धूम्रपान कर रहा है या कुछ, उसको इस टाइप से ब्लर कर देना है। अब उसको ब्लर कर देते हो तो ये पार्ट आपका शो नहीं होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको ब्लर कर दिया तो लड़की यहाँ पे ब्लर हो गई, तो आपको तो यहाँ पे जो भी सीक्रेट स्मोकिंग स्मोकिंग सीन है, जो कुछ भी ऐसा कंटेंट है, तो इसमें आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। और फिर आपका मूवी अच्छा खासा अपलोड होगी और रैंक भी होगी, और नहीं तो यूट्यूब इसको एक्साइट कर देगा कि इसमें इसमें स्मोकिंग है, ये है वो है, इसलिए आपका वीडियो अपलोड रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है, और फिर आप अर्निंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारी पाँच पॉइंट यहाँ पर हो चुकी है, अब छठा पॉइंट हम बता रहे हैं आपको कि आपको करना क्या, आपको लेयर पर क्लिक करना है, और लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट पर आना है, टेक्स्ट पर आने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिख देना है कुछ भी, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अर्न, ठीक है, और उसके बाद मैं ओके कर दूंगा, उसके बाद मैं उसको फुल स्क्रीन पे कर दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जिस भी बंदे ने अगर हमारे हमारे मूवी कॉपी करी है तो इन्हें यूट्यूब एनालाइज कर ले, और उसके उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे, तो उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको डार्क करना है, तो जो कि मूवी नहीं दिख पाएगी। यहाँ पे हम लोग अल्फा पे क्लिक करेंगे, अल्फा पे क्लिक करने के बाद हम लोग इसको बहुत ही कम कर देंगे, सिर्फ यूट्यूब ही समझ पाए ऐसा कर देंगे, और हम देख पाए ये हमारी मूवीज़ के बारे में। उसके बाद हम लोग राइट क्लिक करके इस पर भी इसको भी पूरी मूवी पे कर देंगे कुछ इस प्रकार से, सारे हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सेव चीज़ ऑलरेडी हट हो चुकी है, हमारी सातवीं चीज़ देखनी है, हमारी सातवीं चीज़ क्या है हमारी, जो कि हम मूवी में एडिट करके उसे डाल दें। तो सातवीं चीज़ ये है दोस्तों कि जब मूवी एंड होती है तो आप देखते हो कि मूवी एंड होती है तो उनके बारे में बताया जाता है डिटेल में, ठीक है। जैसे कि हम आप यहाँ पे देख सकते हो राइट में कि यहाँ पे दिखा रहे हैं इसके बारे में कि क्या है, इसका डबिंग किसने किया है, ये क्या क्या, तो आपको ये पार्ट भी सारा डिलीट करना है, जैसे कि मूवी एंड हो गई है यहाँ से, तो यहाँ से आपको फिर से पूरी कर देनी है, ठीक है। और कट करने के बाद यहाँ पे आप 7 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद अब हमको क्या करना है, अब हम जैसे बता सकते हैं आपको धूम्रपान का बताया था ना मैंने, यहाँ भी शो करता है, तो ये चीज़ हमें रिमूव कर देनी है, और रिमूव करने के बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पे मूवी को एक्सपोर्ट करते हैं तो 7 पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट आपको यूट्यूब पे मैं बताता हूँ, जैसे कि अब हम यहाँ पे मूवी को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके बाद आपको क्वालिटी 1080 या 720 ही रखनी है, ठीक है। रखने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही आप सेव करते हो दोस्तों, तो यहाँ पे हमारी वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही हमारा 100% होगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको यूट्यूब पे उसको कैसे अपलोड करना है, मतलब कि किस तरीके से करना है। अगर आप डायरेक्ट उसको पब्लिक कर देते हो तो वहाँ से आपका वीडियो रिमूव हो जाएगा डायरेक्ट, या उसको कॉपीराइट कंटेंट दे देगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से हम लोग बैक करते हैं, अगर हम लोग फ़ोन के स्क्रीन को रोटेट करते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो फ़ोन की स्क्रीन रोटेट कर रहा हूँ करता हूँ यहाँ पे, आप देख लीजिए यहाँ पे हम फ़ोन के स्क्रीन पे आ गए। उसके बाद हम करना क्या है दोस्तों, हमें यहाँ पे यूट्यूब ओपन करना है, यूट्यूब ओपन करने के बाद जैसे ही हम मूवी को अपलोड करते हैं तो आपको किस तरीके से करना है, आपको प्लस का आइकॉन पर क्लिक करना है, अपलोड ए वीडियो, और यहाँ पे आपको मूवी सेलेक्ट कर लेनी है जो कि हम लोग किए हैं, यहाँ पे हम लोग मूवी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसको हम लोग, क्योंकि हम लोग उसी को करेंगे, क्योंकि क्यों मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं अगर मैं लाइव प्रूफ नहीं दिखाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई फेक वीडियो है, ठीक
ठीक है, तो मैं यहाँ से ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद अपलोड करनी है। यहाँ पे टाइटल में आपको क्या देना, समझ रहे हो? कुछ नहीं, आपको यहाँ पे बस इतना कर सकते हो, ना कर सकते हो, मतलब ना का मतलब ये होता है कुछ कंटेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसको आपको प्राइवेट मोड पे कर देना है। आप प्राइवेट मोड पे करने के बाद आपको यहाँ पे लोकेशन इंडिया का नहीं डालना, आपको बाहर का डालना है, बाहर कहीं का भी डाल देना है। तो आपको जैसे कि मैं आपको यहाँ पर गोवा डाल देता हूँ, आपको इंडिया में नहीं डालना है। आपको उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपको इसको अपलोड कर देना, क्योंकि मैं अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आपको ये अपलोड करने का टाइमिंग आपको क्या रहेगा, रात में 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये चीज़ अपलोड कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम यूट्यूब का जो एल्गोरिथम रहता है वो अच्छे से सर्च नहीं कर पाता है, ठीक है। तो रात का टाइम में आपको अपलोड करना है। जैसे कि आपको एक बार आपका अपलोड हो गया, कॉपीराइट क्लेम में और कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है तो कभी नहीं आएगा, आप उससे अर्निंग कर सकते हो। फिर आप अर्निंग कैसे करनी है वो भी हमें आपको इस वीडियो में बताते हैं। आपको अपने क्रोम पे जाना है और यहाँ पे फिर फ्रीडम एमसीएन नेटवर्क बना लेना, ठीक है। अकाउंट बनाते कैसे हैं उसकी लिंक में आप लिंक उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, वो आपको वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हो। मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ। जैसे कि आप यूट्यूब जो अकाउंट बना लोगे उसको अकाउंट बनाने के बाद यूट्यूब चैनल से कनेक्ट कर देते हो, जैसे ही यूट्यूब चैनल से कनेक्ट करते हो दोस्तों, तो उसमें होगा क्या कि जो भी वीडियो आप यूट्यूब पर अपलोड करोगे तो वहाँ पर आपको शो होंगे। फिर उसके बाद आपको अप्रूवल के लिए, उन्हें मोनेटाइजेशन अप्रूवल के लिए वहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप वहाँ पर डालोगे अप्रूवल के लिए, 2 से लेकर 10 मिनट तक आपको अप्रूवल हो जाएगा, और 24 घंटे के बाद आपके जो चैनल रहेगा उसमें ऐड आने लगेंगे। बस इतना ही रहेगा कि 6 से 7% चार्ज आपका लेगा एमसीएन। बाकी आप जैसे कि एक दिन में 10,000 की कमाई होती है, उसका 600 से 700 एमसीएन ले लेगा, ठीक है। ज़्यादा पैसा नहीं लेगा, जिससे कि आपको अच्छे खासे अर्निंग करा के देगा। जो भी कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक आती है तो ऑटोमेटिक वो खुद सेटलमेंट कर लेता है एमसीएन, ठीक है। एमसीएन की पूरी जानकारी के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, और मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ, रोज़ मेरा टाइमिंग 4 बजे है, उसको आप रोज़ इसी मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप इसके लिए रिलेटेड और जानकारी आपको मिल सके, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब जरूर सब्सक्राइब करें, और कुछ अगर आपसे नहीं बन रहा तो मेरे को नीचे कॉमेंट में बताइए कि मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग।